हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो है हेयर स्टाइल्स पर। तो जैसे कि गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में खुले बाल में रहना मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो मैं आपको सारी हेयर स्टाइल्स ऐसी बताने वाली हूँ जिसमें आपके बाल बंधे रहेंगे और ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। और ये सारी हेयर स्टाइल्स बहुत ही यूनिक है, तो ट्राई जरूर करना एक बार। तो जैसे कि होली भी आने वाली है तो ये सारी हेयर स्टाइल आप उस दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुले बाल करके होली खेलते हैं तो हमारे बाल ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अगर आप ये सब हेयर स्टाइल्स नहीं बना सकते हैं तो आप सिंपल ब्रेड तो जरूर बना सकते हैं, तो होली के दिन खुले बालों में ना होली के लिए। और ये सारी हेयर स्टाइल्स बहुत ही इजी हैं, बस देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप जब बनाओगे ना तो देखना बहुत ही प्यारा लुक आएगा आपका। इनमें से एक हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, पर ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं थी इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो शायद इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और शुरू करने से पहले आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे सिंपल हेयर स्टाइल से। इसमें भी हमें मिडल या साइड पार्टीशन करके एक पोनी बना के रखना है, और पोनी बनाने के बाद हमें अपने हेयर को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। ये नॉर्मल ब्रेड ही है जैसे हम लोग ब्रेड करते हैं, बस इसमें जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको थर्ड साइड में बीच में से हेयर को निकालना है, जैसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ उस तरीके से। देखो, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से, पर आई होप आप लोगों को देख करके समझ में आ रहा हो। ओवरलैप करने की जगह हमें थर्ड पोर्शन के बीच में से हेयर निकालना है। और ऐसा हमें एंड तक करते हुए एंड में हमें रबर लगा लेना है। और अगर आप हेयर स्टाइल को ध्यान से देखोगे तो इसके चारों साइड से आपको ये ब्रेड की तरह ही दिखेगा। नॉर्मल जब हम ब्रेड करते हैं तो वो चारों साइड से ब्रेड की तरह नहीं दिखता है, बट इसमें आपको चारों डायरेक्शन से ब्रेड दिखेगा। बहुत सारे रबर चाहिए, आप कलरफुल रबर भी यूज कर सकते हो या फिर कोई दो कलर अपने कॉस्ट्यूम से मैच करते हुए भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें मिडल या साइड पार्टीशन करके ऊपर पोनी बनाना है। पोनी बनाने के बाद हमें अपने हेयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और एक साइड हमें रबर लगाना है। रबर थोड़ा लूज टाई करना, क्योंकि इसी में से ही हमें दूसरे साइड वाले हेयर को निकालना है, कुछ इस तरीके से। जैसे मैं हेयर को निकाल रही हूँ ऐसे ही निकालना, अगर आप इसका ऑपोजिट करोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो इसी तरीके से आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एंड तक करते जाना है।
साइड पार्टीशन करके हमें नीचे पोनी बनानी है। छोटे छोटे दो पोर्शन सेम साइज के डिवाइड करेंगे और उसमें ब्रेड कर लेंगे। और बीच में जो ज्यादा पोर्शन बचेगा उसमें हम ब्रेड कर देंगे। और अब जो हमने साइड साइड में ये छोटी छोटी चोटियां बनाई थी इनको इसी के बीच में से निकालेंगे कुछ इस तरीके से। पार्टीशन और लोअर पोनी बनाएंगे। नीचे पोनी बनाने के बाद हम 5 इक्वल पोर्शन में इसे डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के बाद इसमें रबर लगा देना ताकि ये मिक्स ना हो और अच्छे से आप ब्रेड बना पाए। ये भी नॉर्मल ब्रेड है तो आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ टाई, इसी तरीके से करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं ये बोल के, बट इसी तरीके से करना है कुछ कुछ। देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बनाने के बाद बहुत प्यारा लुक आता है। गर्मियों में खुले बाल किसको पसंद है, मतलब मुझे तो नहीं पसंद है। और होली के लिए भी बहुत अच्छे और यूनिक आइडियाज हैं ये सारे। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल सबसे अच्छी लगी। तो आज के लिए यही था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।